हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सब भी ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ, बेटे का मन कर रहा है, बुखार सा है थोड़ा, चटपटा खाने के लिए, तो कह रहा मम्मी थोड़ी सी चाउमिन मुझे बना दो। तो सोचा क्यों ना आपको भी इसको मैं दिखा दूँ, क्योंकि मेरी सभी पहले की वीडियो डिलीट हो चुकी हैं। अब तो मैं आपके भरोसे बैठी हूँ कि आप चाहेंगे तो मुझे फिर दोबारा उसी जगह पहुँचा देंगे। चलिए जी, अब मैं चाउमीन दिखाती हूँ। मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। ये मेरी थोड़ी सी चाउमीन है, सिर्फ मैं इसी को ही बनाऊँगी। ये मैंने घेर दी है और ये अब उबल जाएगी हल्का सा। इसमें मैं नमक घेर दूँगी। ये देखिए गाइस, मेरी चाउमीन उबल चुकी है और ये मैंने चढ़ा दिया है। कुछ मैंने शिमला मिर्च काट ली है, दो तीन हरी मिर्च ले ली है और थोड़ी मैं प्याज काट लूँगी। ये देखिए तेल मेरा हो चुका है, अब मैंने इसमें प्याज घेर दी है। और इसी के साथ शिमला मिर्च भी घेर दिया, जिससे ये दोनों ही जल जाएं। चलिए बस मैं प्याज इतनी करूँगी, इतने में ये वाली घेर लूँगी। मैंने दोनों सॉस मिला ली है, अब कुछ इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च घेर लूँगी। नमक मैंने घेर लिया है, अब ये मैं हरी सॉस घेर दूँगी। सॉरी गाइस, मेरे पास आज दोनों ही सिरके नहीं है, ना काला और ना सफ़ेद। अब देखती हूँ ये कैसा बनता है, एक दफ़ा ट्राई करके तो ज़रूर देखते हैं कि अगर वो दो चीज़ें नहीं हैं तो हम अपनी चाउमीन कैसे मज़ेदार और चटपटी और टेस्टी बना सकते हैं। चलिए एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। ये देखिए गाइस, मेरी चाउमीन बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये देखिए बिल्कुल शिमला मिर्च भी मेरी बिल्कुल क्रंची हो चुकी है। ये देखिए, अब देखते हैं खाने में टेस्ट इसका कैसा है और फिर आपको बताते हैं। और प्लीज़ आप हमें लाइक सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बच्चों के लिए और फैमिली के लिए बिल्कुल हल्का खाना गर्मी के हिसाब से आपको दे रही हूँ। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ये देख लो भाई, मेरे धीरे धीरे चलिए अजान हो रही है। अल्लाह हाफिज़।